अब देखिए भारतीयों की सुरक्षित वापसी में सरकार जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया है। इस समय की बड़ी खबर ये यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। आजकल रोज प्रधानमंत्री सीसीएस की बैठक ले रहे थे, आज फिर प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग शुरू की और अब ये जानकारी दी गई है कि हर एक भारतीय की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चार मंत्री जो हैं देश के, वो चार अलग अलग देशों से में जाएंगे, वो देश जिनकी सीमाएं लगती हैं यूक्रेन से, और वहां से भारतीयों की सुरक्षित वापसी निर्धारित करेंगे। ये चार मंत्री चार अलग अलग देशों में जा रहे हैं, जिसमें पोलैंड है, रोमेनिया है, जिसमें स्लोवाकिया है, इन सारे इलाकों में हंगरी है, यहां तक कि रोमेनिया और मोल्डोवा तक जा रहे हैं एक मंत्री, और वहां पर जाकर वो सुनिश्चित करेंगे कि किस तरीके से भारतीय जो है वो वापस आ सकें, क्योंकि ये बहुत तरह की खबरें आ रही थी कि बॉर्डर तक जा रहे हैं लेकिन वहां पर यूक्रेनियंस को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, जो लाजमी भी है। तो वहां पर अगर कोई भारतीय रहेगा तो वो फैसिलिटेट कर दो और बातें स्वेता। एक तो ये है कि अभी यूक्रेन से लोग भाग रहे हैं, हाँ। वो जा रहे हैं, ये रोमेनिया में भी, पोलैंड में भी जा रहे हैं, हंगरी में भी जा रहे हैं, और तो ऐसे में इनको जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पीछे रह गए हैं, हाँ। दूसरा पॉइंट, उनके पास वीजा तो नहीं है ना, समझने। अभी ये जो टीम भेजी है, जिस प्रकार से मिनिस्टर चले जाएंगे, वो उस गवर्नमेंट से टाई अप करेंगे, इनका इंश्योर करेंगे कि इनको आप अपनी कंट्री में ले जाएं, वहां से मूव करें एयरपोर्ट, हाँ। पे, और फिर वहां से उसको एयर इंडिया की फ्लाइट से भेजें।